नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में। मैं हूं अजय ठाकुर। आईपीएल 2022 मैच नंबर 16, गुजरात टाइटंस बनाम पंजाब किंग्स, और गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले को 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया और इस जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल पर भी बहुत बड़ी हलचल कर दी है। और ये गुजरात टाइटंस की बैक टू बैक तीसरी जीत है। कोई भी टीम अब तक 3 मुकाबले बैक टू बैक नहीं जीत पाई है और इकलौती गुजरात टाइटंस वो टीम है। हार्दिक पांड्या एंड कंपनी इकलौती ऐसी टीम है जिसने इस सीजन बैक टू बैक 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है। आईपीएल 2022 मैच नंबर 16 के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या कुछ हलचल हुई है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। पॉइंट्स टेबल की शुरुआत करें तो टॉप पर अभी भी केकेआर की टीम मौजूद है। केकेआर ने अब तक 4 मुकाबले खेले जिसमें 3 मुकाबलों में टीम को जीत मिली है, 1 मुकाबला केकेआर ने हारा है यानी गवाया है, और 6 पॉइंट्स और प्लस 1.103 की नेट रन रेट के साथ केकेआर की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर है। वहीं अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर पंजाब को हराने के बाद सीधा बड़ी छलांग लगाते हुए गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर काबिज हो चुके हैं। 3 मुकाबले खेले, तीनों में जीत दर्ज करी है और 6 पॉइंट्स और प्लस 0.349 की नेट रन रेट के साथ गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर है। नंबर 3 की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 3 पर है। 4 मुकाबलों में 3 जीत 1 हार और 6 पॉइंट, और गुजरात टाइटंस से थोड़ा खराब नेट रन रेट है इस वजह से नंबर 3 पर है। नंबर 4 की टीम देखें तो 3 मुकाबले खेले हैं, 2 जीत और 1 हार के साथ राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में अब भी बनी हुई है, और राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट से 4 और नेट रन रेट है प्लस 1.218। और वहीं अगर पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 टीमों की बात करें यानी नंबर 5 पर जो टीम है वो है आरसीबी। 3 मुकाबले खेले हैं, 2 में जीत प्राप्त की है, 1 मुकाबला गवाया है और 4 पॉइंट्स और प्लस 0.159 की नेट रन रेट के साथ आरसीबी यानी फाफ एंड कंपनी टॉप 5 में अब भी बनी हुई है। नंबर 6 की जो टीम है पॉइंट्स टेबल पर, अगर नंबर 6 पर हम बात करें तो नंबर 6 पर पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग्स 4 मुकाबले खेले, 2 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले गवाए हैं और 4 पॉइंट्स और प्लस 0.152 की नेट रन रेट पंजाब किंग्स की बनी हुई है। ये अच्छी बात है पंजाब किंग्स के लिए कि अभी भी नेट रन रेट जो है वो पॉजिटिव में है, तो यानी टीम अभी भी पॉजिटिव स्पिरिट में बनी हुई है। और नीचे की जो टीमें हैं यानी नंबर 7 की जो टीम है अगर देखें तो दिल्ली कैपिटल्स, शुरुआत अच्छा था लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अपना जो मोटिवेशन है वो गंवा दिया और 3 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता है, 2 मुकाबले गवाए हैं, 2 पॉइंट्स के साथ टीम नंबर 7 पर है। और फिर उसके बाद 3 टीमें जो हैं उन्होंने अपने जीत का जो खाता है वो अब तक नहीं खोला है। नंबर 8 पर देखें तो सीएसके है, 3 मैच खेले, तीनों गवाए, -1.251 नेट रन रेट। उसके बाद मुंबई इंडियंस सेकेंड नंबर पर है यानी नीचे से सेकेंड। नंबर 9 पर मुंबई इंडियंस है, 5 बार की आईपीएल विजेता टीम मुंबई इंडियंस इस बार फिलहाल स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, शुरुआती 3 मुकाबले गवा दिए हैं और इस समय नंबर 9 पर है। और नंबर 10 यानी सबसे ऊपर नीचे से टीम जो है वो है केन विलियमसन की सेना सनराइजर्स हैदराबाद। 2 मुकाबले खेले, दोनों गवाए हैं और सबसे खराब नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन 16 मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल पर जो भी कुछ गतिविधियां हैं वो हमने आपको बताई है। आप लोग बताइए कि पॉइंट्स टेबल में अभी इस एक हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है और कौन सी टीम टॉप पर बनी रहेगी, केकेआर, राजस्थान, गुजरात, लखनऊ या आरसीबी, क्योंकि ये वो टीम है जो फिलहाल पॉइंट्स टेबल पर टॉप 5 में बनी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स फैक्ट के साथ।